इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी बिलासपुर पिछले 10 वर्षों से युवाओं का भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल व पुलिस में भर्ती होने का सपना साकार कर रही है। बिलासपुर जिला मुख्यालय स्थित इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी में करीब 150 से अधिक युवक व युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड टेस्ट के साथ ही लिखित परीक्षा की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। परीक्षाओं की तैयारी के लिए केवल क्वालिफाइड शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। अकादमी में हॉस्टल व खाने की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। IRDP से संबंधित बच्चों को 20-30% फीस में भी डिस्काउंट दिया जाएगा। रविवार को बिलासपुर सेना के रंग में रंगा नजर आया। मौका था 1965 के भारत पाक युद्ध दिवस की 53वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित वीर सैनिक सम्मान समारोह का। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में जहां शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, वहीं 53 आर्म्ड रेजिमेंट के अधिकारी कर्नल अभिषेक सक्सेना ने वीर नारियों को भी सम्मानित किया। इसके साथ ही मेडिकल कैंप का आयोजन कर वीर नारियों व पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। मंच संचालन करते हुए हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष आशा ठाकुर ने जब गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे सीने से लगा लेना ए माँ भारती, मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ कविता सुनाई तो पूरा पंडाल भाव विभोर हो उठा। इस दौरान सूबेदार प्रकाश चंद ने कहा कि भारत पाक युद्ध 5 अगस्त 1965 को शुरू हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना के लगभग 3000 जवान शहीद हुए, जिनमें से 130 शूरवीर हिमाचल के थे। हिमाचल प्रदेश ने 23 नवंबर 1965 युद्ध दिवस को राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह के रूप में मनाया। पूर्व सैनिक कल्याण समिति अमृतसर 23 इंडिपेंडेंट आर्मी ब्रिगेड कमांडर साहब से मिले, उनसे निवेदन किया कि अमूमन हर जिले में रैलियां होती हैं, उन रैलियों में हमारी वीर नारियों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन विशेषकर जब 1965-1971 या कारगर विजय दिवस के शुभ अवसर पर आज तक किसी भी सैन्य अधिकारी ने हमारी वीर नारियों को सम्मानित नहीं किया। मैं आज 23 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड 53 आर्मर्ड रेजिमेंट के कमान अधिकारी कर्नल अभिषेक सक्सेना साहब का, पूरी रेजिमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने वो कर दिखाया जो कि आज तक किसी भी कमान अधिकारी ने नहीं किया। क्योंकि आज ये पहला मौका है पूरे हिमाचल प्रदेश के बीच में कि हमारी वीर नारियों को कमान अधिकारी 53 आर्मर्ड रेजिमेंट के कर्नल अभिषेक सक्सेना साहब अपने कर कमलों द्वारा उन वीर नारियों को, उन योद्धाओं की वीर नारियों को जिन्होंने मातृशक्ति के जिनके जीवन साथी थे, इस मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दी, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच में कमान अधिकारी 53 आर्मर्ड रेजिमेंट हाजिर होकर के वीर नारियों को सम्मानित किया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।